खबर कोटा से है, जहां डीएफओ को थप्पड़ मारने के मामले में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत को जेल भेजा गया है। इस दौरान कोटा पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच भवानी सिंह राजावत को अदालत में पेश किया, जहां से राजावत को 12 अप्रैल तक जेल भेजने के निर्देश दिए गए। वहीं पेशी के दौरान पूरा अदालत परिसर छावनी में तब्दील नजर आया। इधर पूर्व विधायक की गिरफ्तारी से भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए कोटा से ब्यूरो चीफ प्रणय विजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रणय, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे खबर को लेकर, डीएफओ को थप्पड़ मारने के मामले को लेकर? वो थप्पड़ मारने और राजकार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार भाजपा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत और कार्यकर्ता महावीर सुमन को अदालत ने शुक्रवार को शाम को 12 अप्रैल तक जेल भेज दिया। राजावत को भारी पुलिस लवाजमे के बीच अदालत में पेश किया गया था। उनकी ओर से हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी पेश की जाएगी। डीएफओ रवि मीणा ने एक दिन पहले नयापुरा थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसमें पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत, महावीर सुमन के खिलाफ नामजद और 15 व 20 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि राजावत गुरुवार को दोपहर 3:30 बजे अपने समर्थकों के साथ कार्यालय में आए। वे काफी गुस्से में थे, आते ही उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की, इसके बाद उनके गाल पर थप्पड़ मारा। उनके साथ आए महावीर सुमन ने भी उन्हें धमकियां दी। सभी ने मिलकर राजकार्य में बाधा पहुंचाई। इस मामले में पुलिस ने भवानी सिंह राजावत और महावीर सुमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। उन्हें शुक्रवार दोपहर 3 बजे SC/ST कोर्ट में पेश किया गया, जहां सभी पक्षों की बहस सुनने और विशिष्ट न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी और 12 अप्रैल तक जेल भेज दिया। इधर जेल भेजने से आदेश होने के बाद जैसे ही पुलिस अधिकारियों ने राजावत को जेल ले जाने के लिए आगे बढ़े, तो राजावत मीडिया से बात करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बात नहीं करने दी। इस पर राजावत झल्ला गए थे। पुलिस कर्मियों ने उन्हें धकेल कर गाड़ी में बिठाया। इसके बाद ही राजावत ने कहा कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करना सरकार की बौखलाहट है। डीएफओ उनके बेटे समान हैं, उन्होंने प्यार से काम करने में अड़ंगा लगाया था, तो मैंने कोई थप्पड़ नहीं मारा, इस तरह की दलीलें उन्होंने दी थी मीडिया से बात करते। हालांकि उनको मीडिया से बात नहीं करने दी पुलिस ने। इधर कोर्ट रूम में जो हुआ मैं बताना चाह रहा हूँ एक बार, कि अदालत में जो भवानी सिंह और महावीर सुमन की तरफ से पेश जो जमानत अर्जी थी, उस पर बहस के दौरान डीएफओ रवि मीणा ने न्यायाधीश से कहा कि वे 2016 के बेच अधिकारी हैं, जिला स्तर का अधिकारी होने के बावजूद कार्यालय में उनके साथ इस तरह की मारपीट हो सकती है, जबकि उनके पास सुरक्षा भी नहीं है, ऐसे में फील्ड काम करने वाला स्टाफ कैसे सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकारी अधिकारी कर्मचारी किसी के साथ कुछ भी करता है तो उसे तुरंत निलंबित कर दिया जाता है। जंगल और जमीन की रक्षा करना उनकी सरकारी ड्यूटी है, वे गलत काम कैसे होने दे सकते हैं। ये तर्क न्यायाधीश ने उनके सुने, और जो भवानी सिंह राजावत हैं उनकी तरफ से जिन अधिवक्ता ने पैरवी की है, तो उन्होंने ये राजावत की खराब तबीयत और उनकी बीमारी का और उनके 3 बार विधायक रहने का हवाला दिया, और ये भी कहा कि दार देवी मंदिर रोड काफी खराब है, डीएफओ इस काम में अड़ंगा लगा रहे थे। न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राजावत को 12 अप्रैल तक जेल भेज दिया गया है। अब नवरात्रि का त्योहार जो है वो राजावत, भवानी सिंह राजावत जो पूर्व संसदीय सचिव हैं, वो जेल में मनाएंगे। इस घटना से जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, शहर की भाजपा है, उनमें काफी रोष है। वो इसलिए कि जो विजुअल्स है, वीडियो है, उसमें थप्पड़ मारते हुए तो हालांकि राजावत दिखाई दे रहे हैं, जिनको थप्पड़ का नाम दिया गया है, लेकिन वो राजावत कह रहे हैं कि ये मैंने प्यार से हाथ लगाया था, जबकि इसको थप्पड़ का रूप दे दिया गया। जी जी शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी।